दिस वीडियो इज स्पॉन्सर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्लो बोलकर एक न्यू ब्लॉकचेन है जिसका ऑलमोस्ट ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है 6 अक्टूबर तक। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो मेरे हिसाब से आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए, डिटेल रिव्यू चाहिए, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 5 दिन पहले डिटेल वीडियो यहाँ पर बना चुका हूँ फ्लो ब्लॉकचेन के बारे में क्या एक्जैक्टली है। यहाँ पर एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए गेम्स, एप्स और डिजिटल एसेट्स के लिए यूजफुल है, डिसेंट्रलाइज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो आप सारा डिटेल जाकर चेक कर सकते हो, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर पूरा डिटेल, प्लस अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हो तो कॉन लिस्ट का भी डिटेल आपको दिया गया है, तो आप चाहो तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें अगर आप परचेज कर सकते हो। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, से फ्रेंड्स को वेलकम करता आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XMR कॉइन के ऊपर। मेरे हिसाब से इसके ऊपर न्यूज भी है, फंडामेंटली भी न्यूज है, टेक्निकल भी लेवल काफी ठीक देखने को मिल रही है, तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। गाइस इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स। जिस तरह अभी तक आपने आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखा है उसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखे। और गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप तुरंत ज्वाइन कर लो, सारे फ्री सिग्नल सारी चीजें आपको टेलीग्राम में पोस्ट की जा रही है, सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। फिलहाल बैक करते हैं टॉपिक पर, वीडियो बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, स्वीट बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आपको आ जाए। हर एक लेवल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, कौन से लेवल रहेगा, एंट्री कहाँ पर है, एग्जिट कहाँ पर है, स्टॉप लॉस कहाँ पर है, सब चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो ही समझ में आएगी, वरना आप वीडियो आधी देखते हो और फिर मुझे कॉल या मैसेज करके पूछना स्टार्ट करते हो, सर वो वीडियो समझ में नहीं आई, तो वीडियो को एटलीस्ट पूरा देख लो तो आपको वो समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए अगर हम बात करते हैं XMR यानी मोनेरा कॉइन के बारे में, तो यहाँ पर इसका नेटवर्क अपग्रेड होने जा रहा है, 17 अक्टूबर का डेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर सेम 17 अक्टूबर को मोनेरो समथिंग इसका कोई वर्जन है वो भी यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है, जो भी है एनुअल टाइप पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखिए हमको पता है, आपको सभी को पता है कि हम टेक्निकल ट्रेडर है, हम फंडामेंटल पे फोकस सिर्फ करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो बेस होता है ना वो होता है कि हम टेक्निकली देखें क्या भाई हमको परचेज करने की ज़रूरत है या नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने मोनेरो बिट्रैक्स का एक्सचेंज लिया हो, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर पूरा चार्ट नहीं अवेलेबल है। अगर आप XMR BTC बाइनेंस पे देखोगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा कि पिछला चार्ट हिस्ट्री नहीं है, पता नहीं क्या ऐसा लगेगा बॉटम यहाँ पर ही बना हुआ है, लेकिन हम XMR BTC अगर बाइनेंस वाला कॉइन देखेंगे तो बिट्रैक्स वाला कॉइन देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया बिट्रैक्स, तो आपको यहाँ पर यह भी चीज़ पता चल जाएगा कि मार्केट में पिछला हिस्ट्री में क्या बना है। देखिए ऑलमोस्ट याद रखो, जितना ज़्यादा आपके पास मार्केट का हिस्ट्री रहेगा टेक्निकल चार्ट्स के लिए, उतने ही अच्छे तरीके से आपके लिए वो यूज़फुल और बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन रह सकती है। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें बॉटम की, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो गाइस, बॉटम अभी तक नहीं बना है। बॉटम की बात करें तो बॉटम और भी नीचे है, जो कि प्रीवियस सबसे लोवेस्ट पॉइंट में समझता हूँ कि मार्केट का सबसे जो सबसे लोवेस्ट प्राइस है या सबसे लोवेस्ट रेंज है जिसको मार्केट बॉटम बना सकता है, तो मुझे लगता है कि वो ये एरिया है। ठीक है, अगर मार्केट को बॉटम बनाना है तो ये एक एरिया है, तभी हम कहेंगे कि हाँ फिलहाल XMR जो है बेसिकली एक बॉटम पर आ चुका है। बट अगर मार्केट बॉटम पर अभी तक इस लेवल पर नहीं आया है, इट मीन्स कि यहाँ पर फिल वक्त में कोई भी बॉटम नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको एरिया ऑफ सपोर्ट लेवल समझ में आ जाए। ये हमारा बॉटम है, अगर हम इस कॉइन का बॉटम को पकड़ना चाहेंगे तो ये हमारा बॉटम है, अगर मार्केट इसके अबव है इट मीन्स कि हम बॉटम पर अभी तक मार्केट नहीं आया होगा। ठीक है, फिल वक्त में ये बॉटम एरिया बन चुका है, और करंटली मार्केट जो लेवल को होल्ड कर रहा है वो लेवल जो है इस वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट किया था, और डिमांड क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड में शूटअप किया था और काफ़ी हैवी रैली हमको देखने को मिला था, और आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट आपका डाउन में भी मूवमेंट किया है। तो इतना याद रखो कि ये मार्केट वापस अप जाने के बाद जो डाउन आया है, तो पिछला जो लेवल है आपका, ठीक है, डिमांड जोन जो है आपका, उस लेवल को होल्ड किया है, और यहाँ पर मार्केट करंटली होल्डिंग कर रहा है। अब देखिए इसका मतलब खतई ये नहीं होता है कि मार्केट होल्ड कर रहा है, रिवर्सल हो सकता है या मार्केट यहाँ से और हायर जाएगा, बट मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट इस डिमांड जोन पर, अगर मैं इसको स्मॉल रेंज में कर दूँ, तो यहाँ पर हमें डबल बॉटम कन्फर्मेशन दिया हुआ है। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, पैटर्न कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं बेसिकली पूरे रेंज को काउंट करूँगा वीकली में, और हमको अगर एंट्री लेना है तो हम आ जाएंगे डे के अंदर, और हमको मेरे हिसाब से एक बेस्ट एंट्री लेवल देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस की यहाँ पर बात करना चाहूँगा, और मैं
सभी को बता दूं, यहाँ पर मैं किसी को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, एक जनरल सा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या होने के चांसेस है, अगर रिस्क ले सकते हो 10% का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक ठीक ठाक करना चाहूँगा, लगभग मैं चाहता हूँ कि आप इसको 15% का स्टॉप लॉस सेट करो, क्योंकि पता है कैसा मार्केट फ्लक्चुएशन कर सकता है वो हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट रिस्क की बात करें तो 15% का रिस्क है वन डेली कैंडल के अंदर। और मैं अगर रिवार्ड की बात करूँ तो देखो, पहला टारगेट जो हमारा रहेगा डबल बॉटम के अनुसार रहेगा, जितना मार्केट का डबल बॉटम का हाइट है, ठीक है। तो नियरेस्ट आप देख सकते हो 1:1:2 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि हमने रिस्क 15% लिया है। बेसिकली हमारा रिस्क अगर हम कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन करेगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं प्राइस रेंज भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। गाइस अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या चीज़ का वेट कर रहे हो, फटाफट लाइक कर दो ताकि आगे जब हम बढ़े तो आपको इन्फॉर्मेशन और भी अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखो, ये बेसिकली हमारा 1:2 का रेशियो है, और यहाँ पर अगर हम परचेज करना चाहेंगे, ठीक है, तो करंट रेट पर आप अगर चाहो, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो करंट रेट पर आप परचेज करो। ये परचेजिंग करंट रेट है, मैं इसको थोड़ा साइज में इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये करंट प्राइस रेट है, अगर आप एंट्री करना चाह रहे हो तो इस प्राइस पर आप एंट्री कर सकते हो। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस का रेंज बता रहा हूँ, प्राइस मेंशन कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप इस प्राइस के बेस पर आप अगर करना चाह रहे हो स्टॉप लॉस को, आई एम सो सॉरी, गलत टैब ऑप सेलेक्ट हो गया था, एक सेकेंड, प्राइस लेबल का गया यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस सेट करना चाह रहे हो तो ये स्टॉप लॉस है आपका, जो कि नियरेस्ट मैं समझता हूँ 15%। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट टीपी की, तो यहाँ पर इस लेवल पर है आपका बेसिकली फर्स्ट टीपी, ठीक है। टीपी का प्राइस भी आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये हो चुका है आपका फर्स्ट टीपी ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉटम पैटर्न। इतना याद रखो, मल्टीपल टेक प्रॉफिट यहाँ पर हमको सेट करना होगा। पहला टीपी आपका नियरेस्ट 30% है, और सेकेंड टीपी की अगर बात करें तो नियरेस्ट 50% के करीब हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्राइस रेंज की बात करूँ तो नियरेस्ट 0.018। एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे ही आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट होता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वहां पर 50% सेल कर देना है, ठीक है। सेल योर 50%, आपको क्या करना है, 50% कॉइंस आपको फर्स्ट टीपी पर जो आपका सेट है उस पर आपको नियरेस्ट 50% आपके फर्स्ट टीपी पर सेल आउट कर देना है। और स्टॉप लॉस को फिर क्या करना है, स्टॉप लॉस को मूव करके एंट्री पॉइंट के अबव लाकर छोड़ देना है। जब आपका फर्स्ट टीपी हिट होगा, स्टॉप लॉस को मूव करके एंट्री पॉइंट के कुछ पॉइंट्स, कुछ सतोशी आप लाके छोड़ देना है, और सेकंड टीपी का वेट करना है। अगर सेकंड टीपी हिट नहीं होता है, बाय चांस मार्केट रिवर्सल भी हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कोई घबराने वाली बात है, क्योंकि बेसिकली हमने एक टेक प्रॉफिट ऑलरेडी गेन किया है और स्टॉप लॉस अपना मूव कर चुके हैं। तो अगर वहां पर लॉस भी होता है तो हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट, बाकी कॉइन सेल होंगे, क्योंकि 50% पर हमने ऑलरेडी कॉइन को क्लोज कर दिया है। गाइस ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, मेरे हिसाब से बेस्ट आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो मिलेगा। दोबारा रिपीट करवा दूं, यहाँ पर किसी को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रही है, बस आपको सजेशन दिया जा रहा है कि भाई मार्केट में ये सिनेरियो अवेलेबल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अपने ओन रिस्क और रिसर्च पर आप कर सकते हो। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, कॉमेंट करके, शेयर करना ना भूलो। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपके लिए मैं कंटेंट ला सकता हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।